अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन क्रमांक 7262 के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगल लाल झांझोट के आदेशानुसार एवं मार्गदर्शन में 15 सितंबर 2018 को दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में आज 5 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया। 5 सूत्रीय मांगों में विनियमितीकरण को स्थायीकरण करने की मांग, अनुकंपा नियुक्ति की मांग, ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग, समान वेतन की मांग एवं 25 दिवसीय प्रथा बंद कर मस्टर रोल लागू करने की मांग की गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उक्त 5 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन को कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में सम्मिलित किया था तथा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के मंच पर भोपाल में आपने यह वादा किया था, यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सफाई कर्मचारियों के समस्त मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री श्रीमती कृष्णा नागर, संभागीय अध्यक्ष आनंद चावरे, इंदौर जिला अध्यक्ष महेश सिरसिया, श्री कृष्ण गोपाल सिरसिया, चौधरी राजू सोनवाल, इंजीनियर संतोष कल्याणी, हुकुमचंद यादव, सदाशिव यादव काका, पटेल विजय सोनवाल, दीपक मलूरिया रानू, डॉक्टर मुकेश धौलपुरे, विजय चिंतामन सहित समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति युवाजनों सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सर, हमने 15 सितंबर 2018 को श्री माननीय कमलनाथ जी के चुनाव घोषणा पत्र में हमारे सफाईदारों की मांगे की थी। क्या मांगे थी? अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 श्री मंगललाल जी झांझोट के तत्वाधान में हम लोगों ने श्री कमलनाथ जी को सफाईदारों की मुख्य 5 मांगों के लिए चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित कर पाई थी। सर, उस पर सीएम साहब ने ये बोला था कि यदि मैं सीएम बनता हूँ तो सफाईदारों की मतलब मांगों को मैं 3 महीने में पूरा करूँगा। आज 6 महीने हो गए हैं, सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया है। क्या मांगे थी आपकी सफाई कर्मियों की? जो 5 मांगे आपने 5 सूत्री दी थी वो कौन कौन सी थी? ठेका प्रथा बंद कराई, समाप्त की जाए, मांगों का वादा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये 5 विशिष्ट मांगे आपकी पूर्ण की जाएगी, जैसे विनियमितीकरण को स्थायीकरण में तब्दील करना, दूसरा अनुकंपा नियुक्ति करना और उसका सरलीकरण करना, तीसरा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर हमारी आजीविका के संसाधनों को बढ़ाना, तीसरी बात समान वेतन समान काम की व्यवस्था को लागू करना। आज भी हमारे कर्मचारी भाइयों को कलेक्टर रेट से कम वेतन दिया जाता है जो कि अशोभनीय है। शोषित वर्ग हैं हम लोग, दलित वर्ग हैं हम लोग, यही चाहते हैं कि हमारी संपूर्ण मांगों का निराकरण जल्द से जल्द हो। दूसरा 25 दिवसीय जो नियुक्तियां दी गई है इसे मस्टर रोल में तब्दील किया जाए ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं जब से कमलनाथ सरकार बनी है निश्चित ही सफाई कर्मचारी वर्ग का उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि किस तरह से पिछले 15 सालों में सफाई कामगारों का शोषण किया, और कमलनाथ जी से हमसे जो अपने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो निश्चित ही हम हमारी 5 सूत्रीय प्रमुख मांगे उनका निराकरण करेंगे, जैसा कि भाई ने बताया हमारे जिला अध्यक्ष ने और संभागीय अध्यक्ष ने कि सर्वप्रथम हमारी ये मांगे कि हम सफाई कामगारों को स्थायी देखना चाहते हैं। गत 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदमी को स्थायी नहीं किया, तो हमारा सबसे ज़्यादा निवेदन यही है कि वो स्थायी करे, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण किए करे, और जो आरक्षण में जो प्रमोशन वाला मामला है जिससे कई वर्ग के लोग, कई सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कुछ लोग दरोगा है, कुछ लोग इंस्पेक्टर है, कुछ लोग क्लर्क है, तो उन लोगों को प्रमोशन नहीं हो पा रहा, जो सफाई कर्मचारी है बाकी फिर भी वो दरोगा इंस्पेक्टर का काम दिया जा रहा है, तो उनको उस वर्ग उसी पद के अनुसार उनको वेतन दिया जाए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी श्रीमती कृष्णा
नागर, आनंद चावरे, महेश सिरसिया, कृष्ण गोपाल सिरसिया व इंजीनियर संतोष कल्याणी ने कहा कि यदि मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों द्वारा ट्रेड यूनियन के माध्यम से प्रदेश की नगर पालिकाओं में आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी।